सफल अभ्यर्थियों में दो नाम ऐसे शामिल हैं जिन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है और वो सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल इस एग्जाम में एक पति पत्नी भी एक साथ चयनित हुए हैं। जी हाँ, डॉक्टर योगेश और डॉक्टर अवलोकिता भी इस बार एक साथ IAS एग्जाम में सफल हुए हैं। दोनों की शादी बीते साल अप्रैल में हुई थी। डॉक्टर योगेश सागर ने इस साल UPSC की सिविल सर्विस एग्जाम में 223वीं रैंक हासिल की है। योगेश ने KGMC से MBBS की पढ़ाई पूरी की है। वहीं उनकी पत्नी डॉक्टर अवलोकिता ने 915वीं रैंक हासिल की है। अवलोकिता ने दिल्ली से MBBS की पढ़ाई पूरी की है। शायद सिविल सर्विस के इम्तिहान में पहली बार ऐसा हुआ है कि पति और पत्नी ने एक साथ सफलता हासिल की है। दोनों दलित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वही दिलीप मंडल अपने फेसबुक पन्ने पर लिखते हैं, वह दौर भी देखा है जब अफसर बन जाने पर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिरों की तरफ भागते थे, अब वे बाबा साहब को थैंक यू कहने लगे हैं। ऐसी ही ढेरों तस्वीरों में से एक पति और पत्नी दोनों का सिविल सर्विस में सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने अपनी यह तस्वीर शेयर की है। सोशल मीडिया की वजह से लोगों की झिझक टूटी है। ये समझ में आने लगा है कि ऐसा करने वाले वे अकेले नहीं है। व्यक्ति अब समूह और समाज में बदलने लगा है। यह कोई मामूली सामाजिक बदलाव नहीं है। अब जिनको जो मिनट में नूडल्स वाली क्रांति चाहिए, उन्हें लग सकता है ये साधारण बात है।